हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम टू टाइम एंड टेस्ट। तो आइए बनाते हैं गर्मियों के लिए एक और रिफ्रेशिंग ड्रिंक, मैंगो लस्सी। तो लस्सी मैंने ली है, इसके लिए करीब 4 बड़े कप हैं, यहाँ पे थोड़ा कम रखी है मैंने। तो दही को पतला करके आप जो यूज़ करते हैं वो यूज़ ना करें, सिर्फ लस्सी यूज़ करें। दही जैसे दही में से जो बटर निकाल के जो लस्सी बनती है वो वाली लस्सी यूज़ करनी है इसमें, तो उसी से आपके जो हेल्थ बेनिफिट हैं वो आपको मिलेंगे। दूसरा इतना इफेक्टिव नहीं होता, वो सिर्फ दही ही है जो आप पतला करके यूज़ कर लेते हैं। तो लस्सी ली है प्लेन लस्सी, इसमें कोई भी नमक या मसाला इसमें एडेड नहीं है, और आम का पल्प लिया है। तो आम अपनी चॉइस के कोई भी, किसी भी जो अलग अलग तरह के आम आते हैं वेराइटीज़ के, कोई भी आम ले सकते हैं। तो आम जैसा आप आम लेंगे उसके अकॉर्डिंग ही लस्सी का टेस्ट आएगा। तो दशहरी आम यूज़ करेंगे तो उनका फ्लेवर अलग होता है, उसी तरह से लंगड़ा, चौसा, अल्फांसो, आप इस तरह के आम कोई भी यूज़ कर सकते हैं, या 3-4 तरह के अलग अलग आम भी आप यूज़ कर सकते हैं। तो उनका पल्प मैंने निकाल लिया है, तो मैंगो पल्प है, इसको आपने पतला नहीं करना, जस्ट इस तरह से ही आपने रखना है कि इसकी बाइट जो है वो आपके मुंह में आनी चाहिए जब आप लस्सी पियेंगे। तो इस तरह से इसको रखना है। तो इसे बनाने के लिए लस्सी में ये मैंगो का पल्प आप ऐड करेंगे, इसे ब्लेंड करेंगे हम। तो लस्सी और जो मैंगो पल्प था उसको नीचे से ब्लेंड कर लिया है, ब्लेंड मतलब हाथ से ही किया है, मिक्सर या ब्लेंडर में से ब्लेंड ना करें, नहीं तो आपका जो आम का जो पल्प हमने रखा था थोड़ा सा ग्रेनी वो नहीं रहेगा उसमें, तो एक लिक्विड ही आपकी लस्सी बन जाएगी। थोड़ा सा टेक्सचर अच्छा रहता है अगर आप इसे हाथ से ही जग या जार से आप फेंकेंगे। इसमें थोड़ा सा फ्लेवर देने के लिए मैंने इसमें केवड़ा एसेंस डाला है, 1 से 2 बूंदे आप इसमें डाल सकते हैं, ऑप्शनल ना डालना चाहें तो ना डाल सकते हैं अगर आपको इसका फ्लेवर पसंद नहीं है। चीनी अगर आप चाहें तो उसमें से ऐड कर सकते हैं, मैंने इसमें कोई चीनी ऐड नहीं करी है क्योंकि मुझे इसका फ्लेवर ऐसे ही नेचुरल फॉर्म में पसंद है। तो आम आजकल वैसे भी सीजनल काफ़ी मीठे होते हैं, तो चीनी डालने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो लीजिए दोस्तों, मैंगो लस्सी रेडी है, जरूर ट्राई कीजिएगा गर्मियों के लिए। और आपको मेरी रेसिपी पसंद आए प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।